पप्पी के चक्कर में चिकित्सा पदाधिकारी बुरी तरह फंस गए। मामला कटिहार के समेली प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र का है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा पदाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मी एएनएम से किस की डिमांड कर दी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। एएनएम स्वास्थ्य कर्मी ने पिछले दिनों चिकित्सा पदाधिकारी पर अनैतिक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। डॉक्टर विनय कुमार सिंह पीएससी समेली के जो है पोस्टेड प्रभारी, उनके द्वारा हमारे साथ जो आज अभद्र व्यवहार और मेरे इज्जत पर तोहिन, आज शोषण अत्याचार जो किया जा रहा है, उनके विरुद्ध हम आज इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं सरकार से। क्यों इस तरह से हम लोग के साथ में किया जा रहा है, है? ये तो आज जो है कि हमने साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया, अकेले में बुला करके हमसे चुम्मा मांगा गया, पूर्व से ही परेशान किया गया। अब अवैध रूप से हमको जो है ये कि बिना शोषण जो है कि लगा करके मेरे साथ जो अत्याचार जुर्म कर रहे हैं, ये शुरू से उनका। वहीं इस मामले पर सफाई देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि मैंने अपनी नातनी के साथ खेलने के दौरान फोन पर ये शब्द कहा था। एनएम से फोन पर बात हो रही थी मीटिंग को लेके सर, इसी बीच मेरी नातनी रो रही थी, मेरी बेटी उसको लाके गोद में दी, मैंने चुप कराने का प्रयास कर रहा था, उसी बीच मैंने अपनी नातनी को बोला चुम्मा दे दे बेटा, उसके बाद यही बोला है मैंने, और संयोग से वो रिकॉर्ड हो गया मोबाइल में, क्योंकि हम भूल गए थे स्विच ऑफ करने के लिए। और ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, वो हमको फंसाने का आरोप लगा रही है, जबकि उसको मैंने ट्रांसफ़र किया था जनप्रतिनिधि और मुखिया के कहने पर डूमर के लिए, उसी आवेश में ये सब कर रही है। जब से उनको डूमर भेजे हैं तब से वो ऐसा आरोप लगा रही है मेरे और हमको बदनाम करने का प्रयास कर। हालांकि आरोपी ने कहा कि ये मामला स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या सही है क्या गलत। न्यूज़ लाइफ डेस्क कटिहार।